सुनना है ना? क्या बोलो काजल, शुरू करो शुरू करो, 6 बज गए, फटाफट शुरू करो। और भी तो हाँ सर, ऐसे ये वो भी के पास और टिकट सब सब को या ब्लैक 30 में आए थे ऑप्शन क्या हो गया? सब नए रबार पैटर्न से करना है ना? हाँ, नए पैटर्न से करोगे सब लोग, ये चीज भी याद रख लेना, सब नए पैटर्न से। ठीक है, सब लोग नए पैटर्न से करोगे, कोई पुराने पैटर्न से नहीं करेगा। और फिर मुझे बाद में मत बोलना हम समझे नहीं, यो नहीं वो नहीं चलेगा सब। ठीक है, और शुरू करो सब फटाफट से, ओमा शीट भर के विथ ब्लैक पेन। ठीक है, और मैं फिर बता रहा हूँ, 8 बजे पेपर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आंसर की मैं भेज दूंगा। फट से मुझे आंसर की से मिला के टोटल नंबर भेजोगे भी तो ओमा शीट के ग्रुप में भेजना सब लोग। शुरू करो सब, और कोई टीपेगा नहीं, और ईमानदारी से दो। देखो, अगर मेरे से बेईमानी करोगे तो समझ लेना कोई चांस नहीं है तुम लोगों का, कोई चांस नहीं। अगर मेरे से बेईमानी करोगे तो जीवन में बर्बाद हो जाओगे, ये चीज़ याद रख लेना। तो चुपचाप ईमानदारी से, दूसरी बात, कोई घर वाले बुलाए कोई उठ के नहीं जाएगा पेपर की तरह दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बार बता रहा हूँ, ऐसो मैं चुपचाप बैठा हुआ साइड बैठे। अरे एक तो उम्र की, तुम इतना लेट का ही आए हो? 6 बजे का अपना टाइम दिया, 6 बजे एक देखते। अच्छा, अब तो पेपर में 6 बजे जाते भाई, 1 से 10 मिनट पहले पहुँचते हैं सेंटर पे, ये बस ये यही ओएमआर है। सीट खरीदने में टाइम लगा, मिली नहीं चाहिए भाई। हाँ गड़ना तुझे जैसे नए पैटर्न से किसी के दो है तो भी भरना पड़ेगा ऐसे है? नया पैटर्न से करना है सारे क्वेश्चन। एक छोटी सी सलाह दे सकते हैं भैया? लो चुपचाप करो पेपर, ये मैं फिर बता रहा हूँ भैया, जैसे किसी का वो होगा कोई आंसर है नन ऑफ दी, जिसमें क्या लगाए नहीं है हैं, उसमें डी मारोगे नन ऑफ दी, अब का मतलब जिसमें केवल दो और तीन, उसके लिए क्या लगाएंगे? दो बी मतलब, अरे आप खुद से ऑप्शन बनाओ अपने, उसमें कैसे भरा तो बनाता था। फील लाइक एग्जाम ने क्या मतलब है फिर?
हाँ मटर आलू की भुजिया, मटर आलू की इतना लेट कैसा है सपना? 6 बजे टाइमिंग थी टेस्ट का, ऐसे काम चलेगा? तुम लोग ऐसे एग्जाम दोगे? चुपचाप होमवर्क शीट भरो और सोल्व करो, और 8 बजे तक का टाइम मिलेगा तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या? अरे सॉरी, मैं काम कर रही थी कुछ। हाँ तो एग्जाम में भी काम ही करते रहोगे। आपको आंसर बताने हैं या फिर ओएमआर सीट देनी है? क्या हुआ? आंसर बताने हैं, ओएमआर सीट की पिक भी भेजनी है। पिक भी भेजनी है और सब नंबर फाइनल आंसर बता के। अभी तुम करो तो सीधे पेपर, ये तो थप्पड़ खाओगे तुम अभी। ये तो लेट आते हो, ऊपर से सबको डिस्टर्ब कर रहे हो। अरे थोड़ा सीखो, एग्जाम में भी लेट पहुंचोगे। Thank you.
भैया
जैसे किसी में पांच स्टेटमेंट है और चार डायरेक्शन के ऐसे बनेंगे डी बनेंगे उसमें डायरेक्ट बना ले उसमें बनाओ तुम दो तीन चार पांच दो तीन चार पांच तो ए बी सी डी हो गया ना मतलब उसमें डी थोड़ी नंबर देंगे डी क्यों भरोगे दो तीन चार बनाओ दो तीन चार पांच तो ए बी सी डी हो गया ना डी में ननो वो भी भरवा रहे हो ना कोई ननो भी वो आंसर है क्या हाँ तो करो उसी अकॉर्डिंग मैंने फिर तीन चार पाँच करो ना दे तीन चार पाँच फिर नौ नौ दे वो ऐसे करो या फिर लिख दूँ अलग से नहीं 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 करो ना उसी में अब यही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ पिछले तब के बारे में दिया था पांच छह स्टेटमेंट वाला तो उसमें कैसे बनाया था उसने वैसे बनाया था तीन चार पाँच छः इससे ज़्यादा कोई स्टेटमेंट होगा नहीं हाँ तो फिर तो उसमें बना लो तीन चार पाँच अगर नौ नौ दे वो आ रहा तो तीन से शुरू करो और जिसमें दो आंसर आ रहा तो उसे अकॉर्डिंग करो
Thank you.
Thank you.
नाम का मतलब क्या? जब ये सो के सोई करने है, छोड़ने में जो ना है करने सो के सब।
तो पीसीएस को 17 का डिक्लेयर कर दिया ना अभी पेपर है क्या पेपर डिक्लेयर कर दिया ना किसका यूपीएससी का पीसीएस का पहले पेपर क्लियर था तो है अरे पेपर कराओ क्या नहीं पहले क्लियर तो 17 बार एक घंटा बचा
थोरियम ज्यादा थोरियम है प्राकृतिक में यूरेनियम ज्यादा थोरियम थोरियम के बंदा मैंने
Thank you.
Thank you.
तुम लोगों को फोन जब्त करना पड़ेगा तुम लोगों को, तो फ्लाइट मोड में करना चाहिए था ना फिर। तो फिर नेट कैसे चलेगा? वाईफाई से ये काम करता है। वाईफाई चलता फ्लाइट मोड में? नहीं चलता, मेरे नहीं चलता। मैं चला के बताऊं ना?
तेरे गोला वाले में क्या गड़बड़ी की हो तुम? ऐसे एग्जाम में भी होगा? सीवी बन दी। आठ मिनट साठ तक ही पहुंचे तो तो फिर देख लो यही अकेले तो अरे पता ही नहीं लगता तुम लोग एग्जाम में यहाँ लाता तो फिर
Thank you.
ओके हो गया टाइप। हाँ टाइम हो गया, अब मैं आंसर की भेज रहा हूँ सब लोगों को, चुपचाप मिलाओ फिर मुझे आंसर वो फिर उस उधर भेजो सब लोग। हेलो हाँ बोलो, मैं आंसर की भेज रहा हूँ आप मिलाओ ठीक है। हेलो हाँ मैं भेज रहा हूँ आंसर की, मिलाओ और आप मुझे भेजो इसको। हॉट स्पॉट मोबाइल में, मोबाइल में नहीं है ठीक है, कोई नहीं बाद में मुझे स्कोर भेज देना मैं अदर आंसर। ठीक। व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैंने आंसर की भेजे सब, अब बंद करो पेपर, कोई नहीं करेगा अब। कौन कर रहा है अभी पेपर, ये क्या है, खत्म करो, और जो कटे हैं क्वेश्चन वो गलत जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ सब मैंने आंसर की भेजे, सब मिला के भेजो फटाफट, और वो सब स्क्रीन लेके भेजोगे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैंने भेजा आंसर के। नए की तरह मिलाना है ना, हाँ नए वाले की तरह मिलाना है ना। हाँ तो क्वेश्चन खोल खोल के देखोगे ना। और सोमेश कितने क्वेश्चन हुए, तुम तो नहीं पहुंच पाए, 66 कर पाए। तो सोच लो ऐसे लापरवाही कैसे काम चलेगा। यही होता है मेरे साथ, टेस्ट टाइम में ऐसे ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कभी कोई सोमेश कहाँ तक तो पहुंचे? 66 तुम कहाँ तक पहुंचे? 71। बस यही हाल होता है फर्स्ट अटेम्प्ट में, जब यही गलती सुधार लो अभी, इसीलिए बोल रहा हूँ। अभी धीमे धीमे करके सुधरेगी ना गलती तो। तो सुधारनी है ना, ऐसे नहीं सुधरेगा विकास भाई को खींचे हम। अभी की कर रहे हैं क्या? मैं तो भैया चेक ना करूंगा, अच्छा चेक ले तू चेक कर ले, मुझे अपनी दे दे हाथ तो भी। चेक करो सब मुझे इसको, और वो भेजो फिर कितने गलत हुए कितने सही हुए कितना लेफ्ट किया है सब मुझे व्हाट्सएप पे भेजो फटाफट। हाँ न्यू मेथड से अलग आंसर होंगे, तो आपको आंसर की देख के मिलाना है ना कि पहले पुराने वाले में कितने आ रहा था। जैसे मान लो कि 2 3 आ रहा था, 2 3 आ रहा था मतलब दो स्टेटमेंट सही है, तो उसमें क्या है, इतना सा तो दिमाग होना चाहिए, कॉमन सेंस लगाओ। कॉपी को अपने आप ही जांच ले क्या? नो खुद खुद अपने अपने जांचो और भेजो मुझे टोटल फटाफट से, वो टोटल नंबर कितने क्वेश्चन सही हुए कितने गलत हुए कितना लेफ्ट हुआ। नंबर भेजने ना, कितने नंबर? नंबर नहीं, मैंने जो बोल रहा हूँ कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं कितना लेफ्ट किया, जल्दी भेजो 10 10 मिनट में।
और किसका? पूजा, तुम्हारे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए तुमसे? पूजा, अमित, नगीना, सपना, सर चेक कर रही हूँ। कितने क्वेश्चन? सारे क्वेश्चन किए थे? अच्छा, सर मैं भी सारी की हूँ। गुड गुड। और अमित, नगीना, सपना, मेरी 96 हुए थे। अच्छा ठीक है। अरे एक सब मैं एक लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, तो डाउन टू अर्थ की वीडियो वहाँ से देखने हैं। मैंने उधर तो भेजा है टेलीग्राम में, मैं इधर भेज देता हूँ। भैया एक मिनट सुनो, जैसे इसमें 37 में तीन स्टेटमेंट है, इसमें उत्तर दे रखा है सी, ठीक है। अब मैंने इसमें लगाया डी, डी का मतलब मैंने और लिख दिया है, तो तीन है तो तीनों में और लिख दिया हूँ मैं, चलेगा ना? दोबारा समझो, 37 क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट है, तीनों ठीक है, इसमें आंसर दिया है सी, क्योंकि एक दो तीन ठीक है, मैं भी सी लगाऊं, लेकिन मैं नए वाले पैटर्न की तरफ मैं और लगाया तो मैं डी में लेता ना, मैं और क्यों मैं डी में क्यों लोगे? मैंने क्या बोला था? नन ऑफ द अबव लेना है डी में। 1 2 3 अब मैं आपसे पांच वाले पूछा हूँ तो आपने उसके लिए तो बोला कि पांच वाले के लिए मैं बोला था ना मैंने, तीन वाले के लिए। इसमें लिख दिया हूँ, जबकि मैं इसमें लिखा हूँ अपनी वाली सीट में, मैं भरने के बाद तुरंत लिखा हूँ पोल, मैं इसमें लिखा हूँ, दिखा दूंगा आपको। फोर क्यों लिखे? हैं, फोर क्यों डाले? फोर में नन ऑफ द अबव नहीं आएगा? मेरी बात तो सुनो, फोर उस पर लिखा हूँ जिसमें पांच है, जिसमें पांच ठीक, पांच स्टेटमेंट है, चार ठीक है, उस पर लिख दूँ, तीसरे गोले में भर गए, नीचे साइड में चार, क्योंकि उस तरीके की है नहीं। तो इसमें तो सी आएगा ना, नए वाले पैटर्न के तहत। नए वाले में तो तीन आएगा ना, अरे
तीन मतलब सी। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। हाँ तो सी आएगा ना। इसमें लगाया हूँ 37। बेस्ट पूरी तो समझा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन हुआ है मुझे। अरे तुम लोग क्या कंफ्यूजन इसमें, देखो सुनो तो भैया इस तरीके से तो मेरे कई क्वेश्चन इतने गलत हो क्वेश्चन जाएंगे करवाए भी तो। हाँ तो हो गए दो लोग गलत, तो इसका मतलब है एक स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट, ये इसको मत देखो अभी, सोचो एक दो तीन नन ऑफ दी अबव। तो अगर तीनों के दो स्टेटमेंट सही थे तो दो लगाना चाहिए था, मतलब बी लगाना चाहिए था। इस तरीके से तो कई क्वेश्चन गलत हो जाएंगे वो ठीक क्वेश्चन भी। अब सोच लो तुम लोग गलत होंगे तो इसका मतलब तुम लोग पैटर्न में समझ ही नहीं रहे। सारा पेपर मैंने 2011 नए पैटर्न से करवाया था। मैं नए से कर रहा हूँ ना, मैं डी में वो लगा दी हूँ गोल का मतलब, मैं उसको गोल कर दे रहा हूँ, मैं आपको बता दूंगा। इसको वैसे भी चेक कर लेंगे अपना आंसर, आप वैसे करो ना, वैसे भी चेक कर लेंगे अभी तो। हाँ अभी तो जो लगाए वो कर लो, चेक कर लो, बाद में वैसे क्रॉस चेक कर लेंगे। हाँ वो रूम पे जाके कर लेना। जब मैं कितने क्वेश्चन करवाया हूँ तुम लोगों को, इतने से कॉमन सेंस फिर भी नहीं हुआ। क्या ही मतलब हुआ फिर, नए पैटर्न से सीख ही नहीं पाओगे तुम लोग। ये जो मैंने भेजी है लिंक, ये डाउन टू अर्थ मैगजीन देखने के लिए है, क्योंकि वो पढ़ भी नहीं पाओगे फालतू, तो ये वीडियो देख लेना ओनली, इसी से काम हो जाएगा। सर हाँ बोलो बोलो पूजा, एक मिनट। हाँ बोलो पूजा। से बहुत कम आया। कितना आया? 52 सही है। 52 सही हुआ, कितने गलत हुए? सारे किए थे? हाँ दो एस्केप है बस। दो एस्केप है, 48 मतलब 46 किए हैं तुम्हें, 15 गलत काट नेगेटिव काटोगे तो तुम्हारा इधर 15 काटो तो कितना गया? 37 ठीक, कितना तो 37 मतलब 74 नंबर। ठीक है तुमने मेरे वो ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखे थे, देखे थे वो वीडियो? सर तो और बढ़ते तुम्हारे नंबर। चलो ठीक है कोई ना, वीडियो देखो इसीलिए तो बोलता हूँ। सर मैंने पहली बार 2012 का पेपर लेके बैठी तो पता नहीं है जो भी हो। कोई बात नहीं, बात ये थी कि तुमने ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखे ना, तभी तो करवा रहा हूँ, तो मुझे पता दो जब कैसे तुम लोगों से पेपर सोल्व होगा विदाउट करंट अफेयर पर। तो बात ये है ना कि वो ट्रिक से होता है सोल्व, पर वही है कि तुम वो वीडियो नहीं देखती तो फिर क्या फायदा होगा, कैसे सीखोगे? सर लेकिन अब दोबारा देंगे ना तो हो जाएगा, अच्छा खासा आएगा। वो तो करवाऊंगा ना, तो अगले फ्राइडे फिर 2013 का होगा, तो फ्राइडे फ्राइडे रेडी रहो तुम लोग। ओके सर ठीक है, क्लास करो, नए से नहीं सीख पाओगे, ऐसे देख लेना यही स्कोर रहेगा, ज़्यादा ज़्यादा जाएगा तुम्हारा 80-90 तक जाएगा, देख लेना अगर क्लास नहीं देखोगी तो, मेरी ये गारंटी बोल रहा हूँ मैं। सर आंसर की आंसर की व्हाट्सएप पे भेज तो दिया हूँ। चलो ठीक है, सब लोग मुझे ग्रुप में भेज देना, क्लास में एंड करता हूँ यहीं पे, किसी कोई डाउट। और फिर मंडे को करेंगे, मंडे टू थर्सडे तक इस पेपर को करना है, तो मतलब पर डे 25 क्वेश्चन करेंगे, तो ये चीज याद रखना। तो ये सर क्वेश्चन बहुत गलत हो गए हैं। गलत होंगे ये, वो तो वही है समय तो वो नया पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। जाके मेरे ना 2011 वाली वीडियो देखना, उसमें मैंने कैसे करवाए नए पैटर्न, सारे क्वेश्चन नए पैटर्न से करवाए मैंने। एक बार नए पैटर्न में दिक्कत आ रही है बस, और कुछ नहीं, क्वेश्चन तो ठीक हो गए हैं पर उसमें नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन कुछ गलत हुए हैं मेरे। तो ये सीखो ना, तो भाई 60-70 क्वेश्चन उसी नए पैटर्न से आएंगे। कोई ना, कितने सही हुए सचिन तुम्हारे? सही 71 किए थे ना तुमने? अभी तक तो 45 देखे हैं, अभी वो भी जाओ थोड़ा। चलो ठीक है, तुम सब लोग मुझे भेज देना फिर रूम पे जाके, सब लोग मैंने जो बोला उस जैसे अभी पूजा ने बताया वैसे सब भेजना, और फिर मार्क्स भी बताना। ठीक है ठीक है, और किसी का नगीना तुम्हारा कितना है देख, मिला है नहीं अभी? नगीना अमित सपना, चलो ठीक है तुम लोग सब मुझे भेज देना ग्रुप में।
ठीक है ठीक है, भेज देना सब मुझे फोटो खींच के। अब इसमें देखो चार स्टेटमेंट तो 1 2 3 4, अब देख मतलब दो आंसर आता, दो बी, उसमें क्या ही था, उल्टा नया पैटर्न तो और इजी है। रिद्धि के मार्क्स 63 और मैंने कितने बोला था 150 आना चाहिए। देख लो तुम लोगों के हालात क्या है, एक ही पेपर, ये तो यूपीएससी पेपर तुम लोग मेरे से कितनी बार कर चुके थे, उसके बावजूद भी ये हाल है। अरे मैं तो सोचा था तुम लोग 150 नंबर आएंगे। अब देख लेना ना ये, सुनो सब डायरी मेंटेन करना, और अभी जितने नंबर आए हैं अब मैं फिर जब मैं मार्च अप्रैल में जब दोबारा करवाऊंगा तो तब भी देखना तुम लोगों यही हाल रहने वाले अगर नहीं सीखोगे तो। अब फिर बता रहा हूँ, अगर तुम लोग ज़्यादा पढ़ने के चक्करों में सोच रहे हो कि हम पढ़ के सही कर लेंगे इन क्वेश्चनों को, तब भी मैं लिख के दे रहा हूँ, सोच पार नहीं होगे जब तक तो मेरी ट्रिक नहीं सीखोगे, उस चीज़ों को समझोगे नहीं, तभी जाके 150 प्लस नंबर आएंगे, और 150 प्लस नंबर आएंगे तब जाके 50% नंबर आएंगे 2024 में, मतलब 80-90 तक तब पहुँच पाओगे, ये रियलिटी है। अगर अब अभी तुम लोगों के अगर मान लो सोच लो कि इस पेपर में 60-70-80 नंबर आ रहे तो रियल एग्जाम में देख लेना 35-34 नंबर ही आएंगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। और जिसने फिर जो मैं काम बता रहा हूँ जो नहीं कर रहे हो ना तो नंबर नहीं आएंगे, वो R&D करके चलो, और जो कर रहा है उसका सिलेक्शन होगा देख लेना PT में, जो नहीं कर रहे हो तो किसी का भी नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ। तो के में हो जाए वो एक अलग बात है, ऐसे काम नहीं चलता है बिना मेहनत के, ठीक है। चलो सब लोग के मुझे भेजना फिर घर जाके, और मैं फिर बार बार बता रहा हूँ R&D करते चलो साथ के साथ, 2011 पेपर कंप्लीट हो जाना चाहिए, अरे 2012 के जो है कल से एक और शुरू कर दो जिसका 11 कंप्लीट हो गया है, अगले फ्राइडे तो कंप्लीट हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।